तो किसान ट्रैक्टर मार्च में किसान की मौत हुई है, मृतक का शव लेकर आईटीओ पर डटे हैं किसान। किसानों के ही सामने दूसरी तरफ पुलिस और पैरा मिलिट्री तैनात है। एक किसान की मौत इस पूरे हंगामे के बीच आईटीओ पर हुई है। आईटीओ पर किसान का शव रखकर, उस मृतक किसान का शव रखकर बाकी किसान डटे हुए हैं। मृतक का शव लेकर आईटीओ पर डटे हैं किसान। तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, एक किसान की मौत की जानकारी, क्या यह स्पष्ट हो पाया है किस तरह से यह मौत हुई है? तरुण, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया तरुण से हमारा, लेकिन एक किसान की मौत की जानकारी आईटीओ पर। तरुण हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, क्या यह अब तक स्पष्ट हो पाया है कि मौत की वजह क्या रही है किसान की? देखिए, स्पष्टता के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो किसान आंदोलनकारी हैं वो बीचों बीच रामशरण अग्रवाल चौक, जो कि आईटीओ का मेन चौराहा है, जहाँ से रोड कटती है यमुना ब्रिज जाने के लिए, मंडी हाउस जाने के लिए, दिल्ली गेट जाने के लिए और बीजेपी हेडक्वार्टर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए, उस बीच चौराहे के ऊपर सभी किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं। ये आंदोलनकारी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की गोली लगी, उसके बाद ट्रैक्टर पलट गया, जिसके कारण उनके किसान भाई की मौत हो गई। मौत की अभी वजह पूरी तरह से स्पष्ट सामने नहीं हुई है, लेकिन जो मंजर मुझे दिखाई दे रहा है आईटीओ पर, आईटीओ जैसे ही आप क्रॉस करेंगे और लेफ्ट टर्न लेंगे मंडी हाउस जाने के लिए, तो मंडी हाउस से ठीक पहले इतनी भारी पुलिस यहाँ पर लगाई हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स की कई टुकड़ियां लगी हुई हैं, लोकल प्रशासन की लगी हुई हैं, सीआरपीएफ की लगी हुई हैं, और दूसरी तरफ जो माहौल हमें बॉर्डर पर दिखाई देता था, ऐसा लगता है कि एक वही, अगर चीजें एक्सप्लेन करूं तो स्थिति वैसी ही बनती जा रही है। आईटीओ के ऊपर लगातार जो किसानों के ट्रैक्टर थे वो बढ़ते जा रहे हैं और पूरी तरह से सामान्य आवाजाही के लिए ये रोड बंद कर दिया गया है। जगह जगह पर पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, डीटीसी की बसेज, दिल्ली पुलिस की बसेज, पीसीआर वैन और दिल्ली पुलिस के कुछ वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मुझे दिखाई दिए हैं। जगह जगह पर आप जो डिवाइडर होते हैं, रेलिंग लगाई होती है लोहे की, वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है। उसको अपने बचाव के तौर पर कहें या हथियार के तौर पर किसान आंदोलनकारी लेकर घूम रहे हैं। किसी ने तो हाथ में तिरंगा ले रखा है, तो वो रॉड के अंदर ही तिरंगा डाल दिया है। तो इस समय जो माहौल है यहाँ पर, जैसे ही मैं रिपोर्ट कर रहा था कि ये वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है, एक नौजवान किसान आया कि आप ये वाहन क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा किसान भाई मर गया है, वो आप चीजें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो यहाँ पर रिपोर्ट करना भी हालातों को बहुत जोखिमपूर्ण है, क्योंकि जो किसान है वो इतने उत्तेजित हैं, इतने उज्ज्वलित हैं कि बात भर करने से किसी भी प्रश्न को वो किस लिहाज से ट्रीट करेंगे उसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और क्योंकि भीड़ बहुत है, मौका लगते ही कोई कैसा बिहेव करेगा उसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जैसे जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा नौजवान किसानों के हाथ में वो रॉड्स दिखाई दे रही हैं, जो कि इन्होंने डिवाइडर से तोड़ी हैं। यहाँ पे मोबिलाइज किया जा रहा है किसानों को कि सब आईटीओ के ऊपर जुटे और इसको दूसरा सिंघू बॉर्डर बना दिया जाएगा। अब पुलिस अपनी कॉल का वेट कर रही है, सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के कदम उठाए जाने हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही संवेदनशील माहौल बना हुआ है। डेड बॉडी को लेकर वहाँ पर कीर्तन किया जा रहा है सिख आंदोलनकारियों की तरफ से, किसान आंदोलनकारियों की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि अब ये इस मौत का जवाब जब तक केंद्र सरकार नहीं देगी, ये आंदोलनकारी यहाँ से हटेंगे नहीं। विजुअली अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा जो यमुना का ब्रिज है उसके ऊपर ट्रैक्टर ट्रैलियां अड़े हुए हैं, यानी कि ऑटो भी नहीं निकल पाएगा, टू व्हीलर निकल सकता है, आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वाहन लेकर सेंट्रल दिल्ली की तरफ ये टेलीकास्ट सुनते हुए आ रहे हैं, तो इस समय आपको पूरी तरह से मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली सेक्रेटेरिएट और यमुना पार करना आपके लिए बहुत घंटों का जोखिमपूर्ण सफर साबित हो सकता है, लिहाजा यहाँ पर आना असामान्य परिस्थितियों में ही किया जाए। अदरवाइज कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर ये टेलीकास्ट सुन रहा है तो इस रोड को अवॉइड किया जाए पूरी तरह से। अभी हालात यहाँ पर बहुत ही संवेदनशील बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है आशंकित तौर पर कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है।
तरुण, इस पूरे मामले में हमने देखा है कि आंसू गैस का तो पुलिस ने इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज भी किया, लेकिन जिस तरह से किसानों का आरोप है कि गोली मारी गई है, ये एक गंभीर आरोप है। और जिस तरह से ये पूरा दृश्य हम देख रहे हैं, क्या इसको लेकर अब तक वहाँ जो ऑफिशियल्स होंगे या पुलिस के, उनकी तरफ से कोई बात की जा रही है, कोई स्पष्टीकरण दिया गया है? क्योंकि ये आरोप काफी गंभीर है गोली चलाने के। देखिए, ये किसानों का सिर्फ आरोप है, मैं उसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं जी, कि मैं इस खबर को ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूं कि किसानों का दावा पूरी तरह से सही है। किसान किस हालात के अंदर मौत का शिकार हुआ, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। आंदोलनकारी इतने ज्यादा यहाँ पर एग्रेसिव हैं, इतने ज्यादा उत्तेजना में हैं कि उनसे अगर हम काउंटर क्वेश्चन भी करेंगे कि ये तो ट्रैक्टर पलटने से हुआ है, तो वो हमें भी जोखिम में डाल सकती है परिस्थिति। लिहाजा मैं यहाँ पर किसी भी किसान से बहुत सोच समझ के ही बात कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन जो एक किसानों से बात हुई है, उनका आरोप भर ये है। अब आप जानते हैं कि कितना बड़ा ये आंदोलन है, कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर लोगों की संलिप्तता है, और आईबी की रिपोर्ट भी है कि कुछ ऐसे भी तत्व इस आंदोलन का हिस्सा हो गए हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर सकते हैं, हालातों को तनावपूर्ण कर सकते हैं। तो वो आंदोलनकारी कौन था, उसके आसपास के क्या लोग हैं या चश्मदीद हैं, वो यहाँ पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन उनसे बात भर कर देना उस खबर को इंडोर्स करने जैसा होगा। लिहाजा मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि एक किसान की डेड बॉडी लेके उसके ऊपर किसान आंदोलनकारियों ने तिरंगा झंडा ढका हुआ है, उस लाश को लेकर, उस डेड बॉडी को लेकर बीच चौराहे के ऊपर लगातार किसानों की संख्या जो है घेरा बनाकर बढ़ती जा रही है, और मुझे कुछ ट्रैक्टर वापस जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ ट्रैक्टर आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इस समय इस मौके के ऊपर सिचुएशन क्या करवट ले लेगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर किसान आ रहे हैं, यहाँ से किसान जा रहे हैं, डेड बॉडी को यहाँ पर कब तक रखा जाएगा? जहां तक पुलिस अधिकारियों की आपने स्पष्टीकरण की बात कही, यहाँ पर कोई भी बड़ा सीनियर अधिकारी ये स्पष्ट नहीं कर रहा है, मीडिया से बात नहीं कर रहा है कि आगे उनका कदम क्या होने जा रहा है, या फिर जो किसान की मौत हुई है वो किन परिस्थितियों के अंदर हुई है। इस समय वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है किसान आंदोलनकारियों की तरफ से भी, क्योंकि वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, और पुलिस की तरफ से भी, पुलिस इन्हें खदेड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि बहुत तनावपूर्ण स्थिति महसूस की जा सकती है, क्योंकि सबके हाथ में रॉड दिखाई दे रही है, सबके हाथ में डंडे दिखाई दे रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरह से तैनात है, उनके सारे बॉडी गियर वो तैनात किए हुए हैं, पुलिस की इतनी भारी मौजूदगी यहाँ पर है आईटीओ पे कि कोई भी अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस को मजबूरन कार्रवाई, गंभीर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन पुलिस खदेड़ नहीं रही है, जहाँ जो बना हुआ है उसको बने रहने दिया जा रहा है। आईटीओ के ऊपर इस समय पूरा कब्जा किसानों का है। दूसरी छोर जो कि मंडी हाउस की तरफ रोड कनेक्ट करता है, उससे पहले की रेड लाइट के ऊपर पुलिस तैनात है। तो एक तरह से आप कहें कि आमने सामने की परिस्थिति बनी हुई है और गंभीर तनावपूर्ण माहौल है। बिल्कुल तरुण, आप अपना ख्याल भी रखें और कुछ देर के बाद फिर हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो किसानों का ये आंदोलन भी जारी है और आईटीओ पर एक किसान के शव को रखकर किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इस बीच जो खबर बड़ी आ रही है सामने, गृह मंत्रालय के भीतर अब बैठक हो रही है, पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है, मौजूदा हालात पर गृह मंत्रालय में बैठक है, गृह सचिव सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, बैठक शुरू हो चुकी है, और अगर शुरू हो गई है तो कौन कौन से मुख्य अधिकारी वहां पहुंचे, क्योंकि हालात जिस तरह के बनते जा रहे हैं वो खासे चिंतापूर्ण है। देखिए बिल्कुल शाकिर, जिस तरह के हालात है दिल्ली में, तनावपूर्ण जिस तरीके से माहौल दिखाई दिया है, किसान आंदोलनकारी जो सड़कों पर उतरे हैं, और जो आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण चल रहा था वो कहीं ना कहीं अराजक तत्वों के हाथों में हाईजेक होता नजर आया है। उसके बाद से ही माहौल तनावपूर्ण है, और दिल्ली में जो तस्वीरें हमने देखी हैं अलग अलग इलाकों से, और खासतौर से मैं तो आईटीओ पे था, वहां मैंने देखा है जिस तरीके से जो नजारा था, तो निश्चित तौर पर वहां पर प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से वहां पर आंदोलन किया है वो तस्वीरें निश्चित तौर पर अच्छी नहीं कही जा सकती आंदोलन के लिए भी। और इसलिए गृह मंत्रालय की ओर से उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, ताजा हालात की समीक्षा की जा रही है। इस बीच इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, यानी रोक दी गई है, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि सरकार के निर्देश के अनुसार
आपके क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण आप अभी इन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सेवाएं सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही शुरू की जाएंगी। तो सीधे तौर पर निर्देश है और अब इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, क्योंकि अफवाहें न फैलें, अफवाहें पर लगाम लगे, इस तरह की कोशिश सरकार कर रही है। और इसीलिए अफौरी तौर पर जो माहौल दिखाई दिया है गणतंत्र दिवस के मौके पर, ये कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है आंदोलन के हिसाब से भी। और जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था संभालने की कोशिश की गई है निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी, तो ये जरूर है कि क्या इसकी पूरी तैयारी नहीं की गई, ये भी बड़े सवाल उठेंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी जिस तरीके से दिल्ली में घुसने में कामयाब रहे, लाल किले तक पहुंच गए, आईटीओ पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, एक किसान प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई है, तो ये जरूर है तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। और इसलिए गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक जिसमें गृह सचिव मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं, ये बताया जा रहा है। और इस पूरे माहौल में नजर बनाए रखने के लिए अब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासन को, उसको आगे क्या कदम उठाने हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो किसान प्रदर्शनकारी आए थे अलग अलग इलाकों से, वो वापस लौटना भी शुरू हुए हुए हैं, जैसे जैसे उनको ये मालूम हुआ कि अब माहौल बिगड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं और माहौल अराजक होता नजर आया है, उसके बाद चिंताएं बढ़ी हुई हैं, लिहाजा सरकार भी अब आगे की रणनीति बना रही है, मंथन कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।